मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के क्लबगंज में ब्राउन शुगर की सूचना पर 5 थाने की पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी की थी। एक साथ 5 थाने की पुलिस पहुंची और बारीकी से आरोपी के घर को खंगाला। पुलिस ने पहले आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बाद पूछताछ की, जिसके बाद से उन्होंने ब्राउन शुगर के बारे में पुलिस को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि क्लबगंज निवासी समीर शाह के घर पुलिस ने दबिश दी थी। पुलिस ने उनके घर से 79 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। मामले को लेकर भागलपुर के SSP आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार मादक पदार्थ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। उसी कड़ी में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। गुप्त सूचना के आधार पर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के क्लबगंज मोहल्ले में पुलिस की टीम पहुंची, जहां पर छापेमारी की गई। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। SSP ने आगे बताया कि ब्राउन शुगर कहां से भारी मात्रा में लाया गया और कहां इसको खपाना था, इसका पता लगाया जा रहा है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 79 पुड़िया 79 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और 5 मोबाइल की भी बरामदगी हुई है। और इस पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है कहां से आया था और किनको बेचा जाना था, तो उस पर पुलिस की टीम का काम चल रहा है और आगे भी इसमें अन्य गिरफ्तारी होने की संभावना है। हर घर नल जल योजना के तहत बुडको की तरह पानी का पाइप बिछाया जा रहा है, लेकिन भागलपुर के जरलाही अमरपुर मुख्य मार्ग पर बुडको कार्य एजेंसी के द्वारा सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे कि आम लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर धूल उड़ रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय लोग इस धूल से बीमार भी पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सुविधा देने से क्या फायदा, जो कि सुविधा के पहले ही हम लोग बीमार पड़ जाएं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर धूल उड़ रहा है। वाहन चालक और स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखना यह शेष है कि बुडको द्वारा कब तक सड़कों का मरम्मत कराया जाता है। परेशानी होता है, यहाँ से रोज जाने में बहुत दिक्कत होता है, इतना धूल मिट्टी उड़ता है, ट्रैफिक खूब लगता है, बहुत ई होता है जाने में, बहुत धूल उड़ रहा है, बहुत कपड़ा गंदा हो जाता है। यहाँ रोड बनना चाहिए, नया रोड, साफ सफाई हमेशा होना चाहिए। ऐसे में कैसे बच्चों लोग को आना लेके जाना, बीमार आदमी है, धूल जाएगा, मिट्टी जाएगा, और बच्चे लोगों को भी तकलीफ होगा आने जाने में, सबको तकलीफ। परेशानी ये है कि ये धूल है, ये इसको साफ कराना चाहिए, ये मिट्टी है इसको साफ कराना चाहिए, लोग इस पर ध्यान दे नहीं दे रहे। जो जनता देख रहा है कितना परेशानी है, ठेकेदार आया तोड़ के चला गया, अब 3 महीने से हम लोग झेल रहे हैं। बाल बच्चा जो है ना, बाल बच्चे का जो हो तो दुकानदारी भी खराब है और हम लोग का भी सेहत खराब हो रहा है। आम जनता का तो देखिए रहे, आप दुनिया का गर्दा हो रहा, यहाँ पर शासन भी कुछ नहीं कर रहा, ना ठेकेदार कुछ कर रहा। हम लोग का यही है कि जो टोड़ा ताड़ा है उसको सही करे, और क्या। इतना हो रहा है कि दुकानदार लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, इतना कि जाने जाने वाले को भी करे, धूलिया इतना उड़ रहा है, गिरा दिया और काम करके छोड़ दिया। कोरोना से 2 महीना हो गया, लेकिन बीच में खाई वगैरह था ना, तो उसमें वो आकर के बालू गिरा के भाग गया। इतना धूल उड़ रहा कि दुकानदार से लेकर के जनता सब परेशान है। भागलपुर के गोराडी प्रखंड में हवाई अड्डा का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर वासियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन गोराडी प्रखंड अंतर्गत गौशाला की भूमि रहने के बावजूद भी निजी भूमि को हवाई अड्डा निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसकी अमीन एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा सही रिपोर्ट नहीं देने कारण नदी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन देने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार के पास सरकारी जमीन है तो फिर जमीन की जरूरत क्या है। यदि उतना जमीन में हवाई अड्डा का निर्माण नहीं हो पाता है तब हम लोग अपना जमीन खुद से दे देंगे, लेकिन हवाई अड्डा निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन सरकारी उपलब्ध है। हवाई अड्डा जो गोराडी प्रखंड भागलपुर जिला के अंतर्गत बनना है, वो जमीन है गौशाला की जमीन, वो प्रस्तावित है, और उस जमीन को छोड़ करके, उस जमीन को अधिग्रहण पूरे समुचित मात्रा में नहीं करके, और हम लोग का निज जमीन को और गांव की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है, इसी के विरोध में हम लोग आए हैं। क्या बोल रहा है सर? से भेंट नहीं हुई सर, अभी यहाँ है नहीं। सीओ क्या बोल रहा है? सीओ साहब तो बोल रहे हैं कि अमीन और हलका कर्मचारी जो है उन्हीं का रिपोर्ट है, हम तो भेजे हैं उनसे जाके मिलिए, लेकिन वो गलत नक्शा का जो है निर्माण करके और हम लोग का निज जमीन का अधिग्रहण कर रहा है सर। DM साहब के लिए आए थे वहाँ पर गौशाला के ज़मीन पर जो हवाई अड्डा का निर्माण होने जा रहा है उस, और हम लोग का वहाँ पर
गांव समेत का अधिसूचना मिला है सीओ के माध्यम से कि गांव का खाली किया जाएगा। गौशाला के जमीन रहते हुए हम लोगों को सूचना दिया जा रहा है कि वहां के जो बसोवासी जमीन है उसको खाली करने के संबंध में, तो इसलिए हम लोग डीएम साहब को आवेदन देने के लिए आए। हम लोग चाहते हैं कि जो भी गौशाला का जितने जमीन है उस जमीन को अगर ले करके अगर नहीं पूरता है तब हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है। सबसे पहले गौशाला का जमीन को अधिग्रहण किया जाए, उसके बाद वहां का जो नकदी जमीन होगा उस पर सहमति बना करके अति किया जाए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पूरे सूबे के साथ भागलपुर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। भागलपुर में तापमान की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर है। इस कारण भागलपुर के आमजनों के साथ पुलिस कर्मी भी परेशान है, क्योंकि भागलपुर जिले में ट्रैफिक पुलिस के लिए शेड नहीं है, जिस कारण यहां के ट्रैफिक पुलिस चौक चौराहे पर पूरे दिन तेज धूप में खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस किस तरह तेज धूप में बीच सड़क पर खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर भागलपुर के ट्रैफिक DSP आशीष कुमार सिंह ने कहा कि सभी जिलों में ट्रैफिक पुलिस के लिए शेड बनाया गया है, लेकिन भागलपुर में स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी यहां पर ट्रैफिक पुलिस के लिए कोई सुविधा नहीं है। SSP से बात करेंगे और जगह चिन्हित करने के बाद यहां पर भी ट्रैफिक पुलिस के लिए शेड बनाया जाएगा। आगे ट्रैफिक DSP ने कहा कि मुख्यालय का आदेश होने के बाद यहां पर ट्रैफिक पुलिस को व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट दिया गया है जिससे गर्मी कम लगे। पुलिस दिक्कत के लिए ही है, पुलिस अब पुलिस को दिक्कत उठाना ही पड़ेगा तो ट्रैफिक पुलिस भी उसी स्थिति में है। पुलिस का अंग है, ट्रैफिक पुलिस मेन पुलिस का आईना है, बड़ी पुलिस अधीक्षक का भागलपुर जिला पुलिस का वो आईना है। अभी आप देखते होंगे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और रोड पे ही हम लोगों को खड़ा होना है, जो आम पब्लिक जाम में रहते हैं, जाम की समस्या में, उसी के निराकरण के लिए ट्रैफिक पुलिस है। तो स्वाभाविक है उसको धूप में खड़ा होना होगा, वर्षा में खड़ा होना होगा, और अभी अत्यधिक गर्मी है इसलिए ट्रैफिक में जो लड़के हैं उनको थोड़ा दिक्कत है। अभी बड़ी पुलिस अधीक्षक के पहल से अभी देखिए व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट का हुआ, उसमें थोड़ा गर्मी कम लगता है। अभी ट्रैफिक की तरफ से व्यवस्था, विभागीय तरफ से चश्मा वगैरह की व्यवस्था की गई है, हेलमेट की व्यवस्था की गई है, उस दिशा में काम चल रहा है कि उन लोगों को सहूलियत दी जाए। बट पुलिस का काम तो टफ होता ही है। हर चौक पे शेड में तो प्रॉब्लम आएगा, हम लोग प्रयास में हैं कि एक दो जगह चिन्हित किए हैं कि वो उसका शेड बनवाया जाए, उसके लिए पहल की गई है। चूँकि छोटा सा चौक भी आप देखें, रोड की चौड़ाई कम है तो सभी जगह हो भी नहीं पाएगा। एक दो जगह पहले प्रथम दृष्टा हम लोग ट्राई करते हैं कि उसमें कितना हम लोग सफल हो पाते हैं और लड़कों को उसे सुविधा असुविधा देखते हुए फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कठरा पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित टोला कठरा में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी को लेकर स्कूल के बच्चे व अभिभावकों ने घंटों जमकर हंगामा किया। इस दौरान कठरा पंचायत के उप मुखिया सीता देवी ने बताया कि स्कूल में कुल 101 बच्चे हैं, जहां कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक विदेशी कुमार घोष के द्वारा मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की जा रही है। दाल के बदले दाल का पानी दिया जा रहा है, सब्जी भी नहीं दिया जाता और बच्चों को अंडा भी नहीं दिया जाता। बच्चे स्कूल में खाना खाकर बीमार हो रहे हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक विदेशी कुमार घोष स्कूल छोड़कर फरार हो गए हैं। स्कूल के शिक्षक रसोईया ने बताया कि प्रधानाध्यापक विदेशी कुमार घोष के द्वारा जो राशन का सामान दिया गया है उसी अनुसार खाना बनाया जा रहा है। वही प्रधानाध्यापक ने बताया कि रसोइयों को बच्चा देखकर सामान राशन का देकर स्कूल के काम से BRC आ गए हैं। स्कूल में अधिक बच्चे आ गए हैं जिसके कारण दाल में पानी मिलाया गया है। आगे से ऐसा नहीं होगा, रसोइयों को ही राशन का सामान का भार दे दिया जाएगा। बैग नहीं दिया है, नहीं खाना भी बढ़िया नहीं देता है, ये अंडा भी नहीं दिया है, फल भी डेली नहीं देता है शुक्र को। दो बार फल देने के भोजन सही से नहीं दिया जाए, यही शिकायत है। बैग उग भी नहीं मिला है बच्चा को, खाना सही से नहीं दे रहा है। कितने बच्चे हैं? सब्जी में कुछ चलो हमको सर जो देगा बन वही बनाएंगे। कौन बनाने देता है आपको? सर देते जो हेड है। क्या नाम है हेड का? बिंदेश्वरी कुमार घोष। बिंदेश्वरी कुमार घोष प्रधानाध्यापक है? हाँ। कहाँ है वो? अभी तो BRC मीटिंग में गए हैं। यहाँ बच्चा लोग की पढ़ाई सर? दूसरा सर को गया है, दीपक सर को। हाँ दूसरा सर को सौंप के गया है। अंडा उंडा बच्चे को नहीं मिल रहा है? हाँ शुक्र को देता है। कैसा बच्चा नहीं देता अंडा? कितना दिन से शुक्र से नहीं दिया था। हाँ शिकायत आज सुने उधर बिया शादी है बीजी है घर में, इसीलिए ना आ पाए। तो आपने जांच किया अभी? हाँ अभी जांच किया। क्या देखा आपने? पानी जैसा दाल है। सही नहीं दे नहीं, सही ना। सही खाना नहीं खिला रहा बच्चे? सही ना। कितना खाना रोज मिलता है अच्छा ही, लेकिन आज विद्यार्थी फर्स्ट दिन खुला था तो विद्यार्थी लेट तक आते रहे जिसके कारण संख्या बढ़ गया और दाल का कमी रह गया। तो दाल तो खाली पानी है अब जो है वो सबके सामने। अंडा उंडा शुक्रवार को नहीं दिया जाता क्या बच्चे? दिया जाता है। बोला बच्चा नहीं मिल रहा है? बच्चा को बिल्कुल अंडा दिया जाता है और कभी कभी फल दिया जाता है। अंडा तो अगले शुक्रवार को भी दिया गया है और हमारा चाहक प्रशिक्षण आज था, हम तो चले आए हैं यहाँ, वहाँ दे दिया गया दाल पहले चढ़ जाता है और प्रभार में दिया गया था। अब मतलब बच्चा कम अधिक रहने के कारण हो सकता है थोड़ा बहुत पानी दे दिया होगा। भागलपुर की बिहार बाल भवन किलकारी में चल रहे 15 दिनों से चकय के चकधुम समर कैंप आयोजन का समापन हो गया, जहां किलकारी में समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सुनील जैन, रितेश रंजन, प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक रूपा रानी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी साहिल राज ने दीप प्रज्वलित कर किया। वही 15 दिवसीय समर कैंप में समापन समारोह कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की गई, जिसमें कथक, हरियाणवी नृत्य, गिटार वादन, कुश्ती सहित कई कार्यक्रम का आयोजन बच्चों द्वारा किया गया। वही किलकारी के चौधरा मूर्ति कला, चित्रकला, खो खो, जिलेबी दौड़, बेलून रोज, जूस पियो प्रतियोगिता सहित कई कलाओं का प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया गया। आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप में करीब 2000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इस समापन समारोह कार्यक्रम में हमारे जो बच्चे हैं वो 15 दिन का जो आयोजन हुआ समर कैंप का, इसमें अलग अलग विधाओं में जैसे कि संगीत हो गया, नृत्य, हरियाणवी नृत्य हो गया, कथक हो गया, मूर्तिकला हो गया, मंजूसा पेंटिंग, क्राफ्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, अलग अलग जो विधाएं हमारे यहाँ संचालित थी उसमें उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आज इस 15 दिवस के जो भी समर कैंप का आयोजन हुआ प्रशिक्षण का, इसमें इन्होंने जो कुछ भी सीखा उसकी आज वो प्रस्तुति देते हुए अपने इस कार्यक्रम को आज समापन समारोह के रूप में मना रहे हैं। और इसकी शुरुआत 23 अप्रैल को हम लोग शुभारम्भ किए थे और आज इसका समापन समारोह किया जा रहा है। किलकारी मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि कई बार हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं कि जो हाशिए पर के बच्चे हैं, सुविधा से वंचित बच्चे हैं, जिन तक संसाधन की पहुंच नहीं है और जानकारी का अभाव है, जागरूकता की कमी है, तो किलकारी उन बच्चों के लिए एक मंच प्रदान कर रही है जहाँ पर कि अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण के रूप में हम लोग उनको
सुविधा मुहैया कराते हैं। बच्चे अपने रुचि के अनुसार उसमें भाग लेते हैं और सीखते हैं चीज़ों को। सीखने के बाद उनमें एक आत्मविश्वास का विकास होता है। तो किलकारी इस तरह के आयोजन को करके उन बच्चों के मनोबल को मजबूत करती है, अभिभावकों के सामने इस बात को प्रस्तुत करने की कोशिश करती है कि आपके बच्चों में क्षमता है, प्रतिभा है, थोड़ी सी मदद और अवसर की ज़रूरत है जो किलकारी में है, तो आप इनको यहाँ तक आने दें। इसके जो प्रशिक्षण संचालित हो रहे हैं सीखने दें, और इसके बाद बच्चों में जो विकास हो रहा है वो देखते हैं तो अभिभावकों का भी सपोर्ट मिलता है। भागलपुर की बाखरपुर थाना क्षेत्र में बाबूपुर पंचायत निवासी कैलाश यादव के 29 वर्षीय पुत्र पिंटू यादव की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को मिलने के बाद बाखरपुर थाना को सूचित किया गया, जिसके बाद संबंधित विभाग को सूचना दी गई। मिली जानकारी के अनुसार पिंटू यादव गाय चराने के लिए खेत गया हुआ था, अचानक ठनका गिर गई जिससे कि उसकी मौत हो गई। मृतक पिंटू यादव को एक बेटा और एक बेटी है, सभी का रो रो कर बुरा हाल है।